Now, Ramphul, the man who was found with the phone, is being questioned by the police. His family in Bulandshahr, however, is saying they had no idea about who the phone belonged to. आपको मोबाइल फोन के बारे में क्या मालूम है? मुझको ये मालूम है कि मुझसे छोटी बहन नबेड़ा में रहती है, वो कोठी करती है, उसके आदमी की ड्यूटी छूट गई थी, प्राइवेट नौकर है, कोठी करके आ रही थी, पार्क पड़ा था रास्ता में, उस पार्क में मोबाइल पड़ा था, उस मोबाइल को ले आई, दो महीना उसने अपने पास रखा और फिर दो महीना के बाद किसी ने उसकी जांच नहीं करी तो उसने भाई बुला कर लिया, भाई को दे दिया, पहले भाई तू ले जा, भाई मेरा बहुत सीधा आदमी है, उसको ऐसी पता नहीं थी कि ये मोबाइल ऐसे चक्कर का है, उसने ला कर एक आध महीना रखा, उसने फिर चलाया मोबाइल। तो कभी सोचा नहीं था कि इस मोबाइल के पीछे कोई चक्कर भी हो सकता है, चोरी का हो सकता है या कोई गलत काम हो सकता है? ऐसी नहीं पता, हमने अपनी बहन को पूछा तुझे कहाँ मिला, कहाँ से लिया था, ने किसी की चोरी तो नहीं करी? कि नहीं बहन, मैंने किसी की चोरी नहीं करी, मुझे खाली पार्क में मिला था, मैं काम करके आ रही थी, उसने ये बोला था। पुलिस कब आई थी और पुलिस ने आप लोगों को क्या बताया? पुलिस शुक्रवार को 11 तारीख को रात को 3 बजे आई थी, खाली उन्होंने ये धमकी दी थी कि तैने किसी औरत को धमकी दी है फोन पर, मेरे भाई ने ये बोल दी, मैंने किसी को धमकी नहीं दी, इसीलिए धमका कर नहीं है, मेरे भाई को ले गई, मोबाइल के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी।